विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा ने जो प्रचंड जीत यहां पर हासिल की है उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री को लेकर एक सस्पेंस यहां पर बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर वसुंधरा राजे ने उनसे मुलाकात की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वसुंधरा राजे की ये मुलाकात लगभग सवा घंटे तक चली। जेपी नड्डा के आवास पर वसुंधरा राजे अपने सांसद बेटे दुष्यंत के साथ पहुंची। आपको बता दूं कि रात को 8:06 पर वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची थी और रात करीब 9:32 पर उनके आवास से वो रवाना हुई। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि बैठक में भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने वसुंधरा राजे से कहा है कि राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में ये सफलता और जीत मिली है, इस कारण से सरकार की रूपरेखा की भी जो झलक है इस बात की झलक को देखने को मिलनी चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान वसुंधरा राजे ने राज्य के सियासी समीकरणों से जेपी नड्डा को अवगत कराया। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा सीटों और संभागवार पार्टी के प्रदर्शन पर अपना नजरिया भी पेश किया। इसके साथ साथ हर एक लोकसभा सांसद की परफॉर्मेंस को भी जेपी नड्डा के सामने वसुंधरा राजे ने रखा है। पार्टी अध्यक्ष को वसुंधरा राजे ने यह भी बताया है कि चुनावी घोषणा होने के बाद कितने विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया और उनमें से कितनों में उन्हें सफलता हासिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के जरिए पार्टी नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को उनकी भावी भूमिका की तरफ संकेत कर दिए हैं। हालांकि जो जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी इस बार वसुंधरा राजे या फिर बाकी मंत्रियों को मिलती है अभी तक इस पर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे चुना जाएगा इसको लेकर भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त जेपी नड्डा के आवास से वसुंधरा राजे बाहर निकली तो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान नजर आई, एक सुकून भरी भावना उनके चेहरे पर नजर आई, जो जिससे साफ तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं तस्वीर भी साफ होती नजर आ रही है। तो एक तरीके से माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से जो मुलाकात दिल्ली में हुई है वो गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकती है।